एक बार की बात है, एक प्राचीन समय में शिबी नाम के एक नेक राजा थे। उनका रूप और शान देखने लायक था। वो शिबी किंगडम पे राज करते थे, जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए मशहूर था। राजा शिबी अपनी दया और न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के हित के लिए काम किया। वो अपने प्रजा की परख बहुत करते थे, हर एक व्यक्ति की बात सुनते और समस्याओं का समाधान करते। राजा शिबी का मना था कि उनके राजा में सभी सुरक्षित होने चाहिए। उन्होंने अपने राजा को एक ऐसा स्थल बनाया जहां सभी खुश और निश्चिंत रहे। वो सभी क्रिएचर्स को इक्वल ट्रीट करते थे। राजा शिबी का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्राणियों के प्रति भी उनका प्रेम उतना ही गहरा था। उनके बड़े दिल के लिए सब उन्हें प्यार करते थे और रिस्पेक्ट देते थे। उन्होंने अपने प्रजा के दिल में एक विशेष स्थल बनाया था, जहां से उनका प्यार और सम्मान कभी कम नहीं होता था। एक दिन राजा शिबी अपने राजा के चक्कर पर निकले। उन्होंने देखा कि लोग उन्हें देख कर कितने खुश होते हैं। उनका स्वागत हर जगह धूमधाम से होता। राजा शिबी ने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर हमेशा राजा के विकास के लिए नए योजनाएं बनाई। उनका लक्ष्य था कि शिबी किंगडम दुनिया का सबसे समृद्ध राजा बने। राजा शिबी धार्मिक भी थे। उन्होंने हमेशा भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने राजा के लिए प्रार्थना की। उनका परिवार भी उनके साथ था। राजा शिबी अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे और उन्हें भी अपने राजा के प्रजा की तरह प्यार करते थे। उनके राजा में हर त्योहार और उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता। राजा शिबी हमेशा अपने लोगों के साथ मिलकर इन उत्सवों का आनंद लेते। राजा शिबी के अंत के बाद भी उनका नाम और उनकी कहानियों को लोग याद करते रहे। उनका जीवन एक मिसाल बन गया, एक ऐसे राजा की जो अपने बड़े दिल और न्याय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और इस तरह राजा शिबी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका जीवन और उनके कर्म हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। शिबी का राजा समृद्ध और शांत था। राजा शिबी के राज में लोग खुशी से रहते थे। वो हमेशा अपने प्रजा की जरूरतों को पहले रखते थे। राजा शिबी ने अपने राजा में फेयरनेस और समृद्धि सुनिश्चित की। वो एक सच्चे नेता थे जो एग्जाम्पल सेट करते थे। उनके शासन को गोल्डन एज माना जाता था। एक दिन एक अजीब घटना हुई। एक कबूतर राजा शिबी के कोर्ट में आ गया। एक बाज उसका भी पीछा कर रहा था। कबूतर बहुत डर गया था और उसने राजा से सुरक्षा मांगी। वो अपने पंख जोर से फैला रहा था शरण की तलाश में। राजा शिबी इस अनयूजुअल इवेंट से हैरान रह गए। बाज ने कबूतर की मांग की। उसने कहा कि कबूतर उसका शिकार है। राजा शिबी एक डिलेम्मा में पड़ गए। उन्हें हेल्पलेस कबूतर की रक्षा करनी थी, लेकिन उन्हें बाज के प्रति भी न्याय करना था। राजा शिबी का दिल कबूतर के लिए दया से भर गया। वो एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना चाहते थे जिससे सभी खुश हो। राजा शिबी ने बाज को कुछ और देने की पेशकश की। यह एक समय था जब राजा शिबी अपने राज्य में न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक बाज ने उनके दरबार में प्रवेश किया और एक कबूतर को पकड़ने की कोशिश की। राजा शिबी ने तुरंत कबूतर को अपनी गोद में उठा लिया और बाज से कहा कि वो उसे छोड़ दे। बाज ने कहा कि ये उसका शिकार है और उसे छोड़ने का मतलब उसकी भूख मिटाने का एक और उपाय खोजना होगा। उन्होंने उस अपने शरीर के समान वजन का मांस देने की पेशकश की। राजा शिबी ने सोचा कि अगर वो बाज को अपने शरीर का मांस देकर कबूतर की जान बचा सकते हैं तो ये एक उचित बलिदान होगा। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर का इतना मांस तुम्हें दूंगा जितना इस कबूतर का वजन है। ये सुनकर बाज हैरान रह गया, लेकिन उसने राजा शिबी की पेशकश मान ली। बाज इस अजीब सौदे के लिए मान गया। बाज ने सोचा कि यह एक अनोखा और असाधारण प्रस्ताव है, लेकिन उसने राजा शिबी की ईमानदारी और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बाज ने कहा, ठीक है, अगर आप अपने शरीर का मांस देना चाहते हैं तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। राजा शिबी ने कबूतर को बचाने की ठान ली थी, चाहे इसके लिए उन्हें अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर कबूतर की जान बचा कर रहेंगे। उन्होंने कहा, ये कबूतर मेरे शरण में आया है और मैं इसकी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। उन्होंने अपने सेवकों को एक तराजू और एक तेज छुरी लाने का आदेश दिया। राजा शिबी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, जल्दी से एक तराजू और एक तेज छुरी ले आओ। सेवक तुरंत दौड़ पड़े और कुछ ही समय में तराजू और छुरी लेकर आ गए। राजा शिबी ने तराजू में कबूतर को रखा और अपने शरीर का मांस तोलने लगे। ये एक कठिन और पीड़ा से भरा समय था।
लेकिन राजा शिबी अपने संकल्प में दृढ़ थे। राजा शिबी ने तराजू के एक पल्ले पर अपने शरीर का एक तुगदा रखा, लेकिन कबूतर अभी भी भारी था। वो अपने शरीर का मांस और ज्यादा जोटे गए। अंटमैन, राजा शिबी ने अपना पूरा शरीर तराजू पर रख दिया। तब जाकर तराजू बराबर हुआ। हर कोई उनके सेल्फलेस एक्ट से अस्टॉनिश्ड था। देवता राजा शिबी का बलिदान देख रहे थे। वो उनकी कंपैशन और सेल्फलेसनेस से बहुत प्रभावित हुए। वो अपने डिवाइन फॉर्म्स में उनके सामने प्रकट हुए। देवताओं ने राजा शिबी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें स्वास्थ्य किया और उन्हें और भी समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। राजा शिबी की कहानी हमें कंपैशन और सेल्फलेसनेस की इम्पोर्टेंस सिखाती है। ये हुमन बताता है कि ट्रू लीडरशिप दूसरों की सेवा करने में है। राजा शिबी का बलिदान हुमन याद दिलाता है कि हुमन हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उनकी कहानी आज भी लोगों को काइंडनेस और जस्टिस चूज करने के लिए इंस्पायर करती है। राजा शिबी की कहानी सैक्रिफाइस और ड्यूटी की एक टाइमलेस टेले है। ये कहानी हुमन एक ऐसे समय में ले जाती है जब राजा अपने प्राजा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। राजा शिबी ने अपने प्राजा के लिए जो किया वो एक मिसाल है जो आज भी हुमन प्रेरणा देती है। उनका जीवन और उनकी कहानी हुमन यह सिखाती है कि सच्चे और न्याय के लिए लड़ना कितना जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो जेनरेशन से चली आ रही है। हर जेनरेशन ने इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाया और समझाया है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने फर्ज और ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ये कहानी हुमन याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने हुमन क्या सिखाया और उन्होंने अपने जीवन में किन मूल्यों को महत्व दिया। ये आज भी कंपैशन और लीडरशिप के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। राजा शिबी का जीवन एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो लीडरशिप के मायने समझना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। उनकी कहानी हुमन ये सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। उनकी लीडरशिप और कंपैशन के किस्से आज भी हुमन प्रेरणा देते हैं। राजा शिबी की लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। हुमन बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनने के लिए इंस्पायर करती है। उनकी कहानी हुमन याद दिलाती है कि सच्चे और न्याय के लिए लड़ना कितना जरूरी है। आज भी उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर कई लोग अपने जीवन में न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी लेगेसी हुमन यह सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। उनकी कहानी हुमन याद दिलाती है कि ट्रू ग्रेटनेस सेल्फलेसनेस और दूसरों की सेवा में है। राजा शिबी ने अपने जीवन में जो मिसाल दी वो आज भी हुमन प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हुमन ये सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। उनकी कहानी हुमन ये भी याद दिलाती है कि हमारे जीवन का असली महत्व दूसरों की सेवा और उनके हिट में है। उनकी कहानी हमेशा हुमन प्रेरणा देती